मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में बताने जा रहा हूं। अभी हाल ही में अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि आम चुनाव के पहले CAA लागू किया जाएगा। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, आम चुनाव से पहले क्यों लागू किया जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें देखने की है। CAA जो है, ये जिसका नाम नागरिकता संशोधन अधिनियम रखा गया है, इसमें नागरिकता छीनने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र ने करीब 4 साल पहले इस अधिनियम को लाया था और घोषणा की थी, और CAA देश का कानून है। केंद्र सरकार इसकी अधिसूचना जारी नहीं करने के कारण लटका पड़ा था। इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें नागरिकता छीनने का एक तो कोई प्रावधान नहीं है, मुस्लिम भाइयों को इसमें गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, या किसी भी भारतीय नागरिकता या छीनने के लिए नहीं है, या उन्हें नागरिकता देने के लिए जो पाक, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़न झेलने के बाद यहाँ आए हैं। ये कांग्रेस ने तुष्टिकरण के कारण इसे नजरअंदाज कर दिया था। धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म आधारित नागरिक संहिता नहीं हो सकती है, ऐसा कहा गया था। जबकि ये नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है, CAA जिसे कहा जाता है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले जो लोग हैं, 6 अल्पसंख्यक जैसे हिंदू है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी को भारत की नागरिकता इसमें देने का प्रावधान है। भारत की नागरिकता देने के लिए दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन इसमें आवेदन करना है, गृह मंत्रालय जांच करके नागरिकता जारी कर देगा। यह अधिकार पूरे तरह केंद्र का होगा, और मौजूदा स्टेटस यह है कि 4 साल से यह कानून लटका पड़ा था। 2019 में इस कानून को दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में कई तरह के प्रदर्शन हुए थे, तो इस कारण से केंद्र ने इसे लागू करने का मन बना लिया था, लेकिन कोरोना के कारण देरी हुई, अभी तक ये लागू नहीं हो पाया। CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन क्यों हुए थे, ये भी मैं आपको बता दूं। CAA का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम लोगों ने किया था। दरअसल इस कानून में मुस्लिमों की नागरिकता को बाहर रखा गया है। कई मानते हैं कि ये मुसलमानों के साथ भेदभाव है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या इसमें किसी की नागरिकता छिनेगी? इसमें नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरह CAA जो कानून है, ये लोकसभा से पहले लाने का सरकार सोच रही है, चुनाव के पहले का। CAA पर मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया गया था, और अभी भी गुमराह ना हो, किसी भी तरह की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए कानून नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान, पाक और बांग्लादेश से उत्पीड़न झेलने के बाद जो लोग आए हैं उनको अधिकार दिए जाने के लिए, नागरिकता छीनने संबंधी इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो कृपया भ्रमित ना हो, और नागरिकता संशोधन एक्ट पर सरकार अच्छा कदम मेरे मत में लेने जा रही है। इसमें नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। मौजूदा स्टेटस 4 साल से चूंकि लटका पड़ा है, इसलिए यह आम चुनाव से पहले इसको लाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ मैंने ये जानकारी आपको सरल भाषा में दी और आपकी समझ में आ गई होगी। पूरी तरह इसका केंद्र का इसको ये अधिकार होगा, अधिकार पूरी तरह केंद्र का रहेगा। ऑनलाइन आप आवेदन दे सकते हैं, और मंत्रालय इसकी जाँच करके आपको नागरिकता का प्रमाण पत्र जारी कर देगा। वीडियो कैसा लगा, जुड़े रहिए इस चैनल से, और नई नई कानूनी जानकारी प्राप्त करते रहिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। धन्यवाद। इस वीडियो में यही था।